शेरगढ़ पीर बाबा पीर बिहारी आश्रम पर राशन सामग्री वितरित की गई। कोरोना नामक वायरस के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश को दूसरी बार लॉकडाउन करने पर हर जगह गरीब और मजदूर परिवार के लोगों को समाज सेवियों के द्वारा राशन सामग्री वितरित की जा रही है। उसी संदर्भ में कस्बा शेरगढ़ के गांव पीरपुर में पीर बाबा आश्रम पर आश्रम महंत नागरी दास बाबा के तत्वाधान में कपिल देव उपाध्याय बालाजी आश्रम के द्वारा 125 पैकेट राशन सामग्री के वितरित किए गए। बाबा के द्वारा बताया गया कि इन पैकेट में एक परिवार का लगभग 7 दिन का भोजन बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर लोगों को भोजन के लिए कोई कमी ना आए, इसी वजह से हमने ये राशन सामग्री वितरित की है। महाराज जी, आज आपने जो राशन वितरण करवाया है, ये किसके द्वारा करवाया है? ये राशन वितरण जो हुआ पीर मंदिर पीर बिहारी जी पे पीरपुर गांव में, तो कपिल देव उपाध्याय बालाजी आश्रम की तरफ से हुआ है। कितने पैकेट बांटे हैं? ये 125 पैकेट बांटे हैं और इसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, आधी किलो तेल, 1 किलो दाल, ऐसे करके 2 किलो आलू, 12 किलो राशन है। अच्छा, 7 दिन का राशन है एक परिवार का। तो आप जिस आश्रम पे रहते हैं उसका क्या नाम है? इसका नाम है पीरपुर पीर मंदिर पीर बाबा मंदिर पीरपुर गांव। ठीक है, अखंड धूना और यहाँ माई की कृपा है, सब भक्त आते हैं, बरहमेश ऐसी सेवा करके जाते हैं जी। इस आपदा के दौर में सारे के सारे लोग जो है इकट्ठित होके भारतवर्ष के जो सक्षम लोग हैं सारे के सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से पूरी तरीके से हम भी उनके साथ हैं और इस कोरोना को जो है देश से भगाएंगे, भारत माता की जय जो है हर एक जगह करवाएंगे, हर एक गरीब की हर एक असहारे वाले की मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। अच्छा महाराज जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, कि आप जो ये कोरोना के प्रति गाँव वालों को या यहाँ के लोकल जो गाँव वाले हैं सभी, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? हम इनको कहते हैं कि देखिए, एक तो डिस्टेंस बना के रखें, दूर दूर रहें, दो दो ढाई फुट की दूरी पे रहें। दूसरा, जो भी व्यक्ति जाता है तो वो अपना मास्क लगा के बाहर जाए, हैं, जैसे अपनी कुटिया में अपने कमरे में है तो वो एक दूसरे को थोड़ा दूरी बना के रखें जी। और ऐसी पदार्थ चीजें नहीं खाएं कि जो जिसमें कोई कीटाणु हो, हैं, बाहर की चीजों को देख कर खाएं और एक दूसरे से जो है लंबे समय जो है पास में बैठ खड़े होकर बात नहीं करें और ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें जाप करें, महामाई का जाप करें, भारत माता का जाप करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जय हिंद।